नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम आपके लिए गुणनखंड करना सिखाएंगे। गुणनखंड की सहायता से आप वर्गमूल, लासा एंड मासा और अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड विधि से वर्गमूल, लासा मासा और अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से आप बहुत इजी तरीके से, आप कभी भी नहीं निकाले हैं, केवल आप टेबल पहाड़ा जानते हैं तो आप बहुत आराम से निकाल देंगे। हम ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं, वो ट्रिक आपको ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। और क्या क्या करना है वो सारी चीजें हम बताएंगे इसमें आपको, ठीक है। इसमें देख लीजिए, आपको बहुत आसान तरीके से पहली बार में ही आप हल कर दोगे, और क्या क्या करना है वो चीजें हम बताएंगे। पहले हम आपको विधि समझा देते हैं एक एक करके, ठीक है। विधि आपकी क्या है उसको हम बता देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि क्या करना है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पैसा नहीं लेगा। बेल आइकन आ जाएगा, बेल आइकन पे ऑल करके आप प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इस तरह से हम क्लास 6 से लेकर 10 तक की और इंटर तक की हम वीडियोज डालते रहते हैं, और मोबाइल टेक्नोलॉजी से वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके आगे जानते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि अंक क्या है। अंक आप जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक सारे अंक हैं, स्वयं में एक संख्या भी है, स्वयं में एक संख्या भी है। तो ये अंक है, एक एक यानी एक गिनती को हम अंक कहते हैं। अगर वो 2 मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए तो वो एक संख्या बन जाती है। अगर 2 मिल गए तो 2 अंक की संख्या, 3 मिल गए तो 3 अंक की संख्या, और अगर 4 मिल गए तो 4 अंक की संख्या। जैसा कि आप देखिए, 1 12 है, ये संख्या है, 12 क्या है, संख्या है, और इसमें 1 अंक है, 2 अंक है, ये 12 मिल गए। इसमें देखिए 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, और ये 234 मिलकर के एक संख्या बन गई। इसमें 4 अंक है, 5 है, 6 और 1, ये सारे अंक हैं, एक इसमें से अंक हैं, तो ये 4561 एक संख्या है। तो इस तरह से आपका जो 0 1 2 3 4 5 है, 9 तक जो भी ये है, ये आपके डिजिट है यानी अंक है, और ये आपको ये डिजिट मिल करके एक नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये जान सकते हैं, तो अंक और संख्या, अगर आप अंक और संख्या जान चुके हैं तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ट्रिक में है कि ये जो संख्या है, संख्याएं में आपको जो संख्या मिलेगी उस संख्या को देखना किनारे क्या, जैसे इसमें किनारे 2 है, इसमें किनारे 4 है, इसमें किनारे 1 है, तो इसमें देखिए जो भी किनारे हैं ये एक एक अंक होंगे। तो जब अंक आपका 0 हो, 2 हो, 4 हो और 6 हो, 8 हो, तो आपको 2 से काटना है, ठीक है। और अगर इनको छोड़ करके 1 3 5 7 9 हो तो आपको 3 से काटना है, यानी 3 से टेबल पढ़ना है। अगर 3 से नहीं टेबल जाता है, पहाड़ा नहीं जाता है, कटता नहीं है, तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटता है तो 7 से काटेंगे, यही इतना है आपका। अभी तक आप करते रहेंगे बहुत सारे नियम, और आपके घर में अगर 6 से लेकर के 10 तक के जो स्टूडेंट आप ये अगर आप बड़े हैं देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को जाकर दिखा दीजिए, वो समझ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों में 6 से लेकर के 10 तक के बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अपने बच्चों को दिखा दीजिएगा। तो ये है, अगर ये संख्या किनारे, जैसे इसमें देखिए 2 आया है तो 2 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा, इसमें 4 है, 4 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा, इसमें 1 है तो इसका मतलब 3 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा, 5 से तो कटेगा, नहीं तो 7 से कटेगा। तो 5 से तो वही गिनती काटना है जिसमें 0 और 5 हो किनारे। तो इस तरह से हम काट करके देखते हैं एक एक चीजें और आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे क्या क्या कैसे कैसे करना है ये देखिए। इसमें 10 और 15 का लासा निकालना है यानी गुणनखंड करना है। तो 10 और 15 यहाँ पर लिखे हुए है, 10 10 के किनारे आपका 0 है, अगर 0 रहता है, 0 रहता है तो 2 से कटता है, 0 रहता है तो 2 से कटता है, तो इसका मतलब ये 10 2 से कटेगा। और काटने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि हम आपको पहले एक अंक काटेंगे, जैसे आपका 124 है तो पहले हम पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, नहीं जाता है तो 2 मिलाएंगे 12 बन जाएगा, तब 12 में पढ़ेगा, 12 में नहीं जाता है तो 4 मिलाएंगे तो 124 में पढ़ेंगे। टेबल इसी तरह पढ़ना है, 1 में पहले पढ़ना, नहीं जाएगा
तो उसमें जो बचेगा, इतनी बार पहाड़ा पढ़ना होता है कि उससे अधिक ना हो, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हमको एक में पहाड़ा पढ़ना है दो का, तो दो का पहाड़ा पढ़ेंगे इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, तो 12 बनना तो दो पहाड़ा पढ़ के 12 से ज्यादा ना हो, यानी 3 हो, अगर यहाँ पर 13 हो दो पहाड़ा पढ़ना कि 13 से ज्यादा ना, तो 2 × 12 तो एक बचेगा, एक इसमें जोड़ लेंगे तो 2 × 7 = 14, इस तरह से कट जाएगा। तो हमेशा इतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि ज्यादा ना हो, कम हो, कम हो ज्यादा ना हो, और ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा नहीं होना है। अगर हासिल बचता है, कैरी बचता है, उधार बचता है, तो अगले में लेकर जाके उसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम 10, 15 नहीं करेंगे, क्योंकि 5 है तो इससे ये पक्का है कि 3 से या 5 से या 7 से कटेगा। तो हम 10, एक गिनती अगर एक संख्या काटती है तो उसको काटेंगे, दूसरा नहीं काटते उसको छोड़ देंगे, जब तक कि उस संख्या से काटता जाएगा। जैसे 2 से काटेंगे 10 को, तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 कट जाएगा, और ये 2 × 15 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। अब 5 और 15 आ गया, 5 5 किनारे, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका मतलब ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा 7 से। तो हम 3 से पहले चेक करते हैं, नहीं तो 5 से, नहीं 7 से, यही नियम है। तो हम इसमें 20 से चलते हैं, तो 3 से काटते हैं 5 कटेगा नहीं, इसको छोड़ देंगे, 3 × 5 = 15 15। पहले देखिए इसमें 3 में 1 में पढ़े तो 1 में जाएगा नहीं, तो हम 5 मिला लिए, 5 मिला लिए तो 15 बन जाएगा, सेम कंडीशन। तो 3 × 5 = 15 है, 3 × 5 = 15 कट जाएगा, 5 5 आ गया, 5 तो आपको 3 से कटेगा नहीं, तो फिर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटना पड़ेगा, 5 से काटेंगे, 5 से काट लेंगे तो 5 × 5 = 5, यानी एक एक बार कट जाएगा। इसको हम गुणा के रूप में लिख के गुणा कर लेंगे, 2 × 3 = 6 × 5 = 30, यानी 2 × 3 = 6 × 6 = 5 = 30। तो इस तरह से हम, ये तो हो गया लासा, लासा इसी तरह से और निकाल सकते हैं। हम वीडियो बड़ा ना हो इसलिए फास्ट तरीके से बता रहे हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज। तो 1250 है, यानी कि 1250 का अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। तो आपको 0 है तो इसका मतलब 2 से कटेगा, काट के हम ट्राई करते हैं। तो देखिए हमने कहा कि एक गिनती में करना, यही चीज है, ये भी यही चीज है, इसमें एक आता है, इसमें 2 मिल करके आते हैं, 3 मिल करके आते हैं, तो अलग अलग काटना पड़ता है, कामा लगा लगा करके इसे काटना है, इसमें एक ही आएगा तो काटना उसी तरह है। यानी हमको जो संख्या मिली है, संख्या मिली है 1250, इसमें संख्या 10-15 थी, बस यही अंतर है। ये नहीं ध्यान देना कि इसमें एक अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, या कोई भी अलग नहीं करना, पूरी पूरी संख्या है, पूरी संख्या हम किनारे से पता करेंगे। अगर 0 है तो 2 से कटेगा, और 2 से कटेगा तो हम एक एक करके, पहले 2 को पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो जाएगा नहीं, 2 भी जाएंगे तो 12 बनेगा, 12 में जाएगा, तो 2 को पहाड़ा पढ़ना है कि 12 ज्यादा ना हो, तो 2 × 12 यानी 2 × 6 = 12। तो हम इसमें कुछ नहीं बचा तो 5 में पढ़ेंगे, 5 में पढ़ना है, 2 को पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से ज्यादा ना हो, 5 से ज्यादा ना हो, तो 2 × 2 = 4, अभी 4 हुआ, 2 × 3 = 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 × 3 = 6 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 6 ना होने पाए, तो इसमें 2 × 4 एक बच जाएगा, एक इसमें जोड़ लेंगे तो 10 बन जाएगा, यानी कि एक इसमें बचेगा, 2 × 2 = 4 करेंगे तो 2 = 10 बन जाएगा, तो 2 × 5 = 10, यानी कि हमारा कट गया। अब 5 है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं तो 5 से, तो जैसा कि हम जान रहे हैं 5 से कटेगा, 3 से चेक करेंगे तो देखिए 3 से, तो 3 से अगर करेंगे तो 3 × 2 = 6 कट गया, और ये 2 में जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है, तो इसको 5 में लाएंगे तो 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से नहीं कटेगा, तो हम सीधा 5 से कटेंगे, तो 5 कटेंगे तो 5 × 5 = 5, एक बच गया, इसमें बना 12, तो 5 × 2 = 10, फिर 2 बचा तो 25 बना, 5 × 5 = 25, इस तरह से काटेंगे। अगर इंग्लिश में समझते हैं तो 5 × 1 = 5, 1 बचा तो इसमें गया, कैरी इसमें हम ऐड कर लेते हैं तो 12 बन जाएगा, 12 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का टेबल बना, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 × 2 इसमें बचा, 2 इसमें जुड़ लेंगे तो 25 25 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 25 को हम इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी काट देंगे, टेबल पढ़ लेंगे, तो हमारा 125 यानी 125 आ जाएगा। तो 5 का हम फिर से टेबल पढ़ते हैं तो 5 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10, क्योंकि 1 में नहीं जाएगा, 2 मिलाएंगे तो 12 बनेंगे, 12 में जाएगा तो 12 में पढ़ेंगे, 12 ज्यादा ना, 5 पढ़ा पढ़ो 12 से ज्यादा, तो 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15 ज्यादा, 5 × 2 = 10, इसमें देखो 2 बचा 2 इधर जाएगा तो 25 बन जाएगा, तो 2 जाएगा 25 बनेगा, तो 5 × 5 = 25 अब हमको काटना होगा, क्योंकि 2 गया इधर, तो इसी तरह कैरी लेकर के दूसरी, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 5, यानी कि इंग्लिश में समझते हैं तो 5 × 2 = 10, 2 इधर गए तो 25, तो 5 × 5 = 25, अब बन गया 25 25, में अगर 5 पढ़ा पर 2 में तो जाएगा नहीं वैसे भी, तो इसमें से हम 2 इधर 5 ऐड कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से कटेगा, क्योंकि 5 से अगर 5 है तो 2 × 3 = 5, 5 से कटे, 5 से नहीं कटेगा तब 7 से काटेंगे, यही हमारा नियम था, इतना आपको समझना था। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम और LCM निकाल करके आपको दिखा देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम और दिखा देते हैं, जैसा कि हम निकालते हैं 20 और 25, ध्यान रखिएगा 20 और 25 निकालते हैं, ठीक है 20 और 25 निकालते हैं, तो क्या है कि इसमें हम एक एक नहीं, 0 है, इसमें 0 है, 0 है तो आप ध्यान में रखिएगा, 0 है तो किससे कटेगा 2, और इसमें 5 है किनारे, तो 5 है तो किससे कटेगा 3 से, नहीं 5 से, नहीं तो 7 से, तो चलिए हम दिखाते हैं।
पहले हम इसको दो से कटेगा, हमने देखा उधर, तो दो से काटेंगे तो दो का पहाड़ पड़ेंगे, तो दो इक्के दो और दो शून्यम शून्य, यानी टू वन जै टू, टू जीरो जै जीरो, जीरो को जीरो से काटना है। अगर पूरी तरह कट जाता है, अगर कैरी बचता है तो जीरो में जोड़ लेंगे, लेकिन कैरी बचा नहीं है, कामा लगाएंगे, एफ कटेगा ना इसको इससे रख लेंगे, फिर टू से काटेंगे, जब तक एक गिनती कटती है एक ना हो जाए, हर एक ये दोनों गिनती को एक बनना है, हर एक संख्या को एक बनाना है। ध्यान इधर भी देखिए, ये एक संख्या थी, ये एक संख्या थी, ये एक संख्या थी 1250, तो हमें एक बनाई, इसमें 10 को एक बनाए, 15 को एक बनाए, इसी तरह हमें ये 20 को एक बनाना है, 25 को एक बनाना है, तभी तुम्हें पता चलेगा। तो 2 5 10 दो पंचे 10 और कामा लगा 25 इसे उतार लिए। अब ये समझ रहे हो, वैसे भी 30 कटेगा नहीं, तो हमने लिखा है, इधर ध्यान रखिएगा, एक चीज हम बताना भूल गए कि अगर आपका दो से नहीं कटता है तो तीन से काटेंगे, तीन से नहीं कटता है तो पांच से काटेंगे, पांच से नहीं कटता है तो सात से काटेंगे, इतने तक अगर नहीं कटता है तो आप अगर इतने से कटे जाएगा ठीक है, नहीं तो इन गिनतियों में आएगा, जैसे 11 13 17, अगर 11 तो 11 से काटेंगे, 13 आता है 13 से ही काटेंगे, अगर 17 आता है 17 से काटेंगे, 19 आता है 19 से काटेंगे, 23 आता है 23, इस तरह से जो भी संख्याएं, अगर ये सब संख्याएं आती हैं तो इन्हीं से कटेगा, इसी तरह हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा 7 तक आपको ट्राई करना है, उसके बाद अगर ये संख्याएं याद कर लीजिएगा, ये संख्याएं आ जाती हैं तो इन्हीं से काटना है, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हमारा देखिए, तो हम जान गए कि अभी ये 5 से कटेगा, तो 5 1 5 और 5 5 25, यानी कि 5 1 5, 5 5 25, तो अभी 5 से फिर काटेंगे, ये तो एक बन गया, एक बन गया, तो इसको एक उतारते जाएंगे, इसे एक उतारते जाएंगे, कम लगे तो 5 1 5 5 1 5, ये भी एक बन गया, दोनों संख्या 20 एक बन गया, 25 एक बन गया, एक बन गया। अब इसको हम गुणा करेंगे, 2 गुणा ये 2 और 1 गुणा 5 और 1 गुणा 5, 2 2 4, 4 5 20, 5 100, इंग्लिश में 2 2 4, 5 20, 5 100, तो ये हमारा एलसीएम था। इसी तरह अगर हम कोई गुणनखंड निकालते हैं, अगर जैसे कि हम 824 निकालते हैं, सॉरी हम चले वर्गमूल एक ट्राई करते हैं, एक वर्गमूल ट्राई करते हैं, वर्गमूल ट्राई करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि वर्गमूल में क्या करना है, आपको कैसे चाहिए है, और ठीक है। तो वर्गमूल में हम जैसे ले लेते हैं 1600, ओके, तो ये जीरो है तो दो से कटेगा, 2 8 16 जीरो 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 कर जाएगा, दो से काटेंगे 2 4 8, जीरो जीरो उतर जाएगा, यानी 2 0 0 2 0 0 ये करता, 2 2 4 2 0 0, 2 1 2 2 0 0, 2 5 10, एक में नहीं जाएगा, जीरो लेंगे 10 बनेगा, यानी 5 बार जाएगा। अब देखिए 2 2 4 एक बचा, इधर गया 10 2 5 10, नहीं 2 5 10, अब 25 आ गया, तो ये 25 5 से ही कटेगा, 5 5 25, 5 1 5। वर्गमूल में होता है इसको हम पूरा लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 6 बार 2 है, और उसके बाद 5 गुणे 5, इसमें 2 2 का जोड़ा बनता है, बस यही वर्गमूल होता है, 2 1 बार, फिर ये 2 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 5 1 बार, 2 2 4 2 8 पंचे 40, तो 40 इसका उत्तर आ जाएगा, ये 40 आपका उत्तर, ये 2 1 बार, ये 2 1 बार, ये 2 1 बार, ये और ये 5 1 बार, सभी को एक जितना जोड़ा बना एक ही बार उतार लेंगे और सब पूरा कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये गुणा कर लेना है, जितना जोड़ा बने उसको उसे उतार लेना है और उसके बाद गुणा कर देना है। तो वर्गमूल था, इसी बीच से आप वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड बाद गुणनखंड। अब भी एक बार फिर से हम आपको ये चीज रिवीजन कर दोहराते हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि 2 0 2 4 6 8 अगर आता है 2 से काटना है, 1 3 5 7 आता है तो 9 आता है तो 3 से काटना है, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं कटेगा 7 से। और इसको काटने के लिए अब ध्यान में रखना है कि ये जो संख्याएं होती हैं, संख्या के किनारे के अंक को, अंक एक गिनती को कहते हैं, और एक से मिलकर के और अंक मिलकर के संख्या बनाते हैं, संख्या के किनारे वाली गिनती से ट्राई करना है, जो ये है यही ये मैचिंग है, किनारे का यही मैचिंग इसमें करेंगे। और काटने के लिए हमेशा हम 2 से 3 से 5 से 7 से काटेंगे, अगर नहीं कटता है तो हम इन संख्याओं से काटना आगे काटने नहीं, ये आ जाएंगी, ये संख्या आ जाती है इसी से काटेंगे, ठीक है। तो यही था इसमें, और अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ओके, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह वीडियो हम लाते रहेंगे, और आपको अगर आप क्लास में कोई आपके घर का बच्चा 6 7 8 किसी में हो तो आपको हम उसी तैयारी कराएंगे कि आपको बच्चा बन जाए। और हम 10th और हाई स्कूल की वीडियोज भी डालते रहते हैं, मोबाइल टेक्निक से वीडियो डालते रहते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ओके। चलिए अगली वीडियो फिर लेकर गए, तब तक संतोष कुमार को दीजिए इजाजत, और फिर मिलेंगे, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।